कहानी के शुरू में हम एक लड़के को देखते हैं जो साइकिल पर कहीं जा रहा था। उसके आगे एक काले रंग की वैन आकर रुक जाती है, उसको अपने साथ ले जाती है। दरअसल इस शहर में एक पागल किडनैपर था जो सिर्फ लड़कों को अगवा कर मार देता था। अब इस शहर में हम एक छोटे लड़के फिनी को देखते हैं जो अपनी बहन के साथ अपने डैड के पास रहता था। उसकी मॉम मर चुकी थी। उसके डैड का रवैया उनके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था क्योंकि वो बहुत ज्यादा शराब पीते थे और अपने बच्चों के साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। फिनी जब स्कूल जाता है तो कुछ बच्चे उसे तंग कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है जो फिनी का साथ देता है और जो बच्चे उसे तंग कर रहे थे यहाँ से उन्हें भगा देता है। जिसके बाद वो बच्चा कहता है, मेरा मैथ बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्या तुम मुझे पढ़ा दोगे? फिनी उसे कहता है, हाँ जरूर, क्यों नहीं। जिसके बाद उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब फिनी के स्कूल में दो ऑफिसर आते हैं जो उस बच्चे के बारे में पूछताछ कर रहे थे जो हमने कहानी के शुरू में देखा था जो साइकिल पर जा रहा था। वो ऑफिसर्स फिनी की बहन को बुलाते हैं और पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता चला कि किडनैपर के पास काले रंग के गुब्बारे हैं? दरअसल यहाँ पर उस लड़के की बहन फिनी की बहन की क्लास में पढ़ती थी और इसने उस लड़के की बहन को बताया था कि जिस आदमी ने तुम्हारे भाई को किडनैप किया है उसके पास काले रंग के गुब्बारे थे। अब ऑफिसर कहते हैं, हाँ तुम सच कह रही हो, जिस जगह से वो लड़का गायब हुआ, जहाँ से हमें उसकी साइकिल मिली, उधर हमें काले रंग के गुब्बारे मिले हैं, पर तुम इस बात को कैसे जानती हो, क्या तुम उधर मौजूद थी? तो वो कहती है, नहीं मैंने सपना देखा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि फिनी की बहन को सपने में जो कुछ भी नजर आता था वो सच होता था। अब ऑफिसर्स उसके डैड के पास भी पहुँच गए थे पूछताछ करने के लिए, मगर जब वो घर वापस आते हैं तो वो अपनी बेटी यानी कि फिनी की बहन को बहुत मारते हैं और डांटते हैं। कहते हैं कि ऑफिसर्स को ये सब तुमने क्यों कहा कि तुमने किडनैपर के पास काले रंग के गुब्बारे देखे हैं? वो कहते हैं, मैंने देखे हैं, मुझे सपना आया था। उसके डैड कहते हैं, अच्छा तो तुम्हें भी सपने आने लगे हैं जैसे तुम्हारी माँ को आते थे। याद रखना, सपने कभी सच नहीं होते और आइंदा तुम किसी को नहीं बताओगी अपने किसी भी सपने के बारे में। और उसकी बहन अपने डैड के ऐसे रवैये से बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि वो हर वक्त अपने बच्चों के साथ बुरा सलूक करते थे। जिसके बाद हम फिनी के नए दोस्त को देखते हैं जिसने स्कूल में उसे बच्चों से बचाया था। उसके सामने भी वही काले रंग की वैन थी जिसके अंदर से किडनैपर आकर उस लड़के को भी उठाकर ले जाता है। उसको भी इस किडनैपर ने अगवा कर लिया था। स्कूल में अब फिनी को बचाने वाला कोई नहीं था, इसीलिए अब दोबारा से बच्चे उसको तंग करना शुरू कर देते हैं। तभी बच्चे जब उसको परेशान कर रहे थे, मार रहे थे, उधर फिनी की बहन आ जाती है, उसको उन बच्चों से बचाती है। अब इन सब के बाद फिनी की बहन उससे कहती है, तुम घर जाओ, मैं अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ और आज रात वहीं पर रुकूंगी। फिनी अब जब अकेला घर जा रहा था तभी ये देखता है उसके सामने काले रंग की वही वैन थी जिसमें किडनैपर आकर बच्चों को अगवा करता था। अब वो आदमी अपनी वैन के नीचे से कुछ सामान उठा रहा था और फिनी से मदद मांगता है। अब जब वो उसकी मदद करने लगता है तभी वो बहुत सारे काले रंग के गुब्बारे वैन से बाहर निकालता है और फिनी को वैन में डालकर ले जाता है। ये बेहोश हो गया था। जब इसको होश आता है तो ये एक काले अंधेरे कमरे में था जो पूरी तरह से साउंड प्रूफ था, मतलब यहाँ से किसी भी किस्म की कोई आवाज बाहर नहीं जा सकती थी, तो यहाँ पर इसके चीखने चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं था। तभी फिनी के पास वही किडनैपर आता है जो इसको यहाँ पर लाया था और उसने खौफनाक किस्म का मास्क पहना हुआ था। इसका नाम ग्रैबर था। वो कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। जब ये चला जाता है तो उसके जाने के बाद ये देखता है उधर एक ब्लैक फोन, खिड़की और एक टॉयलेट था और इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं था जिधर ग्रैबर ने फिनी को कैद किया हुआ था, मगर वो ब्लैक फोन डेड था यानी कि वो चलता ही नहीं था, उसकी तार टूटी हुई थी। दरअसल ये एक बेसमेंट थी। अब फिनी यहाँ पर परेशान था कि वो यहाँ से कैसे जाएगा। तभी अचानक से फोन की घंटी बजती है। ये डर गया था, हैरान हो जाता है कि फोन की तो तार ही नहीं है तो फिर इस पर कोई फोन कैसे कर सकता है। जब फिनी फोन उठाने लगता है तो अब उसकी घंटी बंद हो जाती है। तभी उधर ग्रैबर भी आ गया था, कहता है पहले भी फोन की घंटी बजती थी, मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों है। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। उसके जाने
करने के बाद दोबारा से फोन बजता है। इस बार उस फोन पर फिनी से कोई बात कर रहा था। ये वही लड़का था जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा था, जो साइकिल पर जा रहा था, मगर ये उसकी आत्मा थी जो उससे बात कर रही थी। वो उससे कहता है, उधर एक जमीन पर टाइल है, तुम उसको निकाल कर वो जगह खोदो, तुम आराम से उस जगह से एक सुरंग बनाकर जा सकते हो। अब फिनी उसकी बात मान लेता है, उधर से खोदना शुरू करता है। वो बहुत सारी मिट्टी निकालता है और उसको कमोड में डालकर पानी डाल देता है ताकि इस बारे में ग्रैबर को कुछ पता न चले। उसी रात फिनी की बहन को भी सपना आता है जिसमे वो ग्रैबर और अपने भाई को देखती है। दूसरी तरफ अब ग्रैबर फिनी के लिए खाना लेकर आया था, मगर वो दरवाजा खुला छोड़ जाता है। तभी फिनी उधर से जाने वाला था, मगर दोबारा फोन की आवाज उसे जाने से रोक लेती है। फिनी जब फोन उठाता है तो अब दूसरा लड़का बोलता है, ये भी इसके स्कूल में ही पढ़ता था, मगर अब वो फिनी के बारे में कुछ नहीं जानते थे। ऐसा ही पहले लड़के ने भी कहा था, जिसने कहा था कि तुम्हें सुरंग बनानी चाहिए। अब तभी यहाँ पर हम बच्चों की आत्माओं को देखते हैं। ये सब वही बच्चे थे जिनको ग्रैबर ने किडनैप कर मार दिया था, और ये सब मिलकर फिनी की मदद करना चाहते थे, इसीलिए इन बच्चों की आत्माएं फोन के जरिए इससे बात कर रही थी। यहाँ पर अब जिस बच्चे का फोन था कि आत्मा इससे कहती है, तुम ऊपर मत जाना, ग्रैबर जानबूझकर दरवाजा खोल कर गया है ताकि तुम ऊपर जाओ और ये तुम्हें मार दे। मैंने यहाँ पर एक रस्सी को छुपाया था, तुम उसकी मदद से खिड़की तक पहुँच कर अपने लिए मदद बुला सकते हो। अब फिनी को वो रस्सी मिल जाती है, अगर वो खिड़की तक नहीं पहुँच पाता। उधर दूसरी तरफ फिनी की बहन अपने डैड को अपने सपने के बारे में बताती है। कहती है, मैंने उस किडनैपर को देखा है, उसने खौफनाक सा मास्क पहना हुआ था। मैं उस जगह को भी जानती हूँ जिधर उसने फिनी को रखा है। अब उसके डैड को भी अपने बेटे की फिक्र थी, इसीलिए वो भी अपनी बेटी के साथ फिनी को ढूंढने के लिए मान जाते हैं। वहीं पर हम दो ऑफिसर्स को देखते हैं जो बच्चों के अगवा के केस में पूछताछ कर रहे थे। वो एक आदमी के घर आते हैं, ये आदमी अपने भाई के साथ रहता था। ये इस आदमी के पास इसलिए आए थे क्योंकि इस पर इन्हें शक था, मगर वो आदमी कहता है, मुझे शक है वो किडनैपर यहीं पर रहता होगा जो बच्चों को अगवा कर गायब कर देता है, जिनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता। ऑफिसर्स खैर इसकी बातें सुनकर यहाँ से चले जाते हैं, मगर हैरान करने वाली बात ये थी, इसी घर की बेसमेंट में फिनी को कैद किया गया था, मगर ये आदमी इस बारे में कुछ नहीं जानता था। इस आदमी का जो भाई था वो दरअसल वही किडनैपर था जो बच्चों को अगवा करता था, जिसका नाम ग्रैबर था, और ये आदमी अपने भाई की असलियत तक नहीं जानता था। इसको ये भी नहीं पता था कि इसके घर में कोई बेसमेंट भी है। उधर ग्रैबर फिनी के पास अब खाना लेकर आया था, कहता है, तुम मुझे अपना नाम बता दो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। अब जाहिर है फिनी से डरा हुआ था, इसीलिए ये इसे अपना गलत नाम बता देता है, जिस पर ग्रैबर को बहुत गुस्सा आता है। वो खाना फेंक देता है और इसके सामने एक अखबार फेंकता है जिसमें इसके अगवा होने की खबर थी और फिनी का नाम भी लिखा हुआ था। अब इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो गुस्से में ये यहाँ से चला जाता है। तभी फिनी को एक बच्चे की आत्मा नजर आती है और फोन भी दोबारा से बजता है। जब ये फोन उठाता है तो उस बच्चे की आत्मा इससे फोन के जरिए बात करती है, कहती है, ग्रैबर ने तुम्हें अभी तक इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुमने उसके साथ कोई गेम नहीं खेली। तब यहाँ से भागने का तुम्हारे पास सही वक्त है, इस वक्त वो सो रहा होगा, जो इस दरवाजे का पासवर्ड है, मेरी साइकिल का नंबर है जो मैंने दीवार पर लिखा है। अब आहिस्ता आहिस्ता फिनी दरवाजे की तरफ जाता है और उसे खोल लेता है, मगर तभी ग्रैबर भी जाग गया था और जो उसका डॉग था वो भी भौंकने लगता है, लेकिन ग्रैबर इतना चालाक उसने उसे फिर से पकड़ लिया था। दोबारा से बेचारा फिनी ग्रैबर की कैद में था, ये इसे दोबारा से बंद कर देता है, जिसके बाद फिनी को दोबारा से फोन आता है। बच्चे की आत्मा इसको बताती है, अगर एक दिन के अंदर अंदर तुम यहाँ से नहीं निकले तो ग्रैबर तुम्हें मार देगा। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम दीवार को तोड़ो जिसके पीछे बहुत बड़ा फ्रिज है, जिसके जरिए तुम आराम से यहाँ से बाहर जा सकते हो। अब वो ऐसा ही करता है, दीवार को तोड़कर फ्रिज में चला जाता है, पर बेचारा यहाँ पर भी फंस गया था, फ्रिज बाहर से लॉक था। अब फिनी सारी हिम्मत खो चुका था, उसको ऐसा लग रहा था कि ग्रैबर अब उसको मार देगा जैसे उसने बाकी लोगों को मारा। तभी दोबारा फोन बजता है,
अब इस बार फोन पर उस बच्चे की आत्मा उससे बात कर रही थी जो स्कूल में फिनी को दूसरे बच्चों से बचाया करता था। वो कहता है, जो इसका फोन का रिसीवर है तुम इसके अंदर मिट्टी भर दो और फिर तुम इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। उधर फिनी की बहन साइकिल पर बारिश में ग्रैबर के घर को ढूंढ रही थी क्योंकि उसने अपने सपने में उसका घर देख लिया था। तभी उन्हीं पांचों बच्चों की रूहें आत्माएं सामने आ जाती हैं, जिन्हें ग्रैबर ने मार दिया था। ये उन्हें देखकर डर जाती है और साइकिल से नीचे गिर गई थी। तभी वो अपने सामने वही घर देखती है जो इसने सपने में देखा था। अब ये घर जाकर ऑफिसर्स को कॉल करती है और उन्हें उस घर के बारे में बताती है जो इस केस की छानबीन कर रहे थे। जिसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जो ग्रैबर का भाई था। अब उसको अपने भाई पर शक हो गया था। वो जब नीचे उतरता है तो नीचे उसको एक बेसमेंट मिलती है। उधर ये फिनी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, मगर इससे पहले कि उसे बचाता ग्रैबर आकर उसे मार देता है। अब ग्रैबर फिनी को भी मारना चाहता था। वो दरवाजे पर अपना डॉग बांध देता है और फिर फिनी को मारने की कोशिश करता है। फिनी बेचारा अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहा था। अब जब ये फिनी के करीब आता है तभी ये एक गड्ढे में गिर जाता है जो फिनी ने बनाया था इसे फंसाने के लिए। अब वो उसी ब्लैक फोन की तार से ग्रैबर का गला घोटकर उसे मार देता है। अगर अभी भी ये बाहर नहीं जा सकता था क्योंकि दरवाजे पर ग्रैबर का डॉग था। उधर ही बाहर इसकी बहन ऑफिसर्स को लेकर आती है। अब जब ऑफिसर्स को फिनी की बहन ने जिस घर के बारे में बताया था वो जब जाकर देखते हैं तो उधर बहुत सारे बच्चों की लाशें मिलती हैं जिन सबको ग्रैबर ने मारा था। उधर फिनी एक गोश्त का टुकड़ा लेकर डॉग के सामने फेंकता है जिससे वो रास्ता छोड़ देता है और क्योंकि उस दरवाजे का पासवर्ड उसको पता था वो खोलकर बाहर आ गया था जिधर वो पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां देखता है। यहां पर हमें पता चलता है कि ग्रैबर के दो घर थे, एक में ये बच्चों को मारकर उनकी लाशें रखता था और दूसरे में कैद करके। ये दोनों घर आमने सामने थे इसीलिए तो ऑफिसर्स को फिनी मिला नहीं था। अब क्योंकि सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी फिनी के डैड भी अपने बच्चों से माफी मांगते हैं कि अब वो कुछ गलत नहीं करेंगे। इसके बाद जो फिनी स्कूल जाता है सब इसको देख रहे थे क्योंकि ये ग्रैबर को मारकर उसकी कैद से आजाद होकर आया था। अब ये पूरी तरह बदल चुका था, ये पुराना डरा हुआ फिनी नहीं था। इस मूवी के आखिर में हमें ये मैसेज मिलता है कि हमें देखकर और सोच समझकर किसी की भी मदद करनी चाहिए वरना ये हमारी बहुत बड़ी गलती भी साबित हो सकती है जैसे बेचारे फिनी और दूसरे बच्चों ने की। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।